हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश कुमार और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नई जानकारी, वो है लैब टेक्नीशियन के कोर्स के बारे में कि लैब टेक्नीशियन का कोर्स कौन कौन सा होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो लैब टेक्नीशियन होता क्या है, तो लैब टेक्नीशियन बेसिकली जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो लैब टेक्नीशियन जो है इसके लिए अलग अलग कोर्सेस जो है कराया जाता है अलग अलग कॉलेजों के द्वारा। तो इसमें जो है हम कुछ कोर्स के बारे में देखेंगे कि लैब टेक्नीशियन आखिर बनेंगे कैसे, कौन सा पढ़ाई हम करेंगे उसके बाद हम जा करके लैब टेक्नीशियन बनेंगे। एक्चुअली लैब टेक्नीशियन का मेन वर्क जो होता है वो टेस्ट लगाना होता है कि अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग टेस्ट जो है लगाते हैं, है ना। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है, टेस्ट परफॉर्म करना। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो है जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर उसको पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट देता है। तो सबसे पहले लैब टेक्नीशियन बनना है तो उसके लिए कौन सा कोर्स जो है हमें करना चाहिए। सबसे पहला जो है इसमें अलग अलग कोर्सेस हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, है ना, डिग्री कोर्सेज भी है। आपके चॉइस के हिसाब से आप जो है कोर्स कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं, पहले से आपने बीएससी किया हुआ या फिर कुछ और अदर जो है आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप जो है डिप्लोमा कोर्स लैब टेक्नीशियन के लिए कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, है ना, तो उसके लिए जो है अलग से आपको जो है ग्रेजुएशन कोर्स लैब टेक्नीशियन में ही करना पड़ेगा, है ना, वो आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो है हम डिटेल में जो है कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहला जो है लैब टेक्नीशियन के लिए अलग अलग कोर्स जो मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहला जो है BMLT, उसके बाद है DMLT, फिर BSc MLT भी होता है, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है BMLT का पूरा जो है नाम क्या है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, है ना, या लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो इसमें जो है बैचलर्स नाम से स्पष्ट है, मतलब ये ग्रेजुएशन कोर्स है, है ना। इसमें जो है 3 साल का जो है कोर्सेस है, लेकिन जो है आपका एग्ज़ाम जो है डिले होता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में, तो क्या होता है 4 साल लग जाते हैं। यदि आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो क्या है ये ग्रेजुएशन आप कोर्स कर सकते हैं BMLT। उसके बाद जो है DMLT, है ना, ये डिप्लोमा कोर्स है, है ना, लेबोरेटरी फील्ड का ही है टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें जो है यदि आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी सब्जेक्ट से तो आप क्या है DMLT कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या बताते हैं आपको कि DMLT और BMLT करने के लिए आपको जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, और 12वीं पास होना चाहिए। और बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं ये कोर्स कराते हैं, है ना, अलग अलग कॉलेज जो हैं, जैसे भोपाल में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना, पैरामेडिकल कोर्सेस कराते हैं बहुत सारे, वहाँ पर जो है आपको BMLT DMLT कोर्सेस आराम से मिल सकते हैं। वो अपने चॉइस के हिसाब से आप जो है कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको बेनिफिट्स क्या हैं, है ना, ये स्कोप क्या है आपको BMLT करने। सबसे पहले BMLT कोर्स है, है ना, तो BMLT के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद किया हुआ है BMLT। सबसे पहला तो ये ग्रेजुएशन है, है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपको जो है बहुत सारे आगे जा करके जो आप यदि मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, है ना, तो BMLT करने के बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, है ना, या मेडिकल MSc कर सकते हैं, या फिर प्लेन MSc भी कर सकते हैं, या MLT कर सकते हैं। और आगे जा करके जैसे आपने मेडिकल MSc किया किसी भी सब्जेक्ट से BMLT करने के बाद, तो आप जो है ट्यूटर के पोस्ट पर जा सकते हैं, है ना। उसके अलावा फिर जब ट्यूटर पोस्ट हो जाता है आप टीचिंग करने लगते हैं, उसके बाद जो है आगे का स्कोप जो है और आपका ओपन होते जाता है, है ना। यदि आप DMLT करते हैं, है ना, ग्रेजुएशन पहले से है आपके पास, DMLT करते हैं, तो एज ए लैब टेक्नीशियन आप वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहला जो है आप 12वीं पास होना, उसके बाद जो है आप कोर्स जो है चॉइस कर सकते हैं आपको BMLT करना है या DMLT करना है। आपको मैंने स्कोप भी बता दिया क्या क्या है। अब आपको जो इस फील्ड में जाते समय आपको जो कौन कौन से चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए वो जो मैं आपको बताना चाहती। ये दोनों कोर्स जो है सेम है, लेकिन DMLT के लिए आपको 2 साल लगते हैं और BMLT के लिए आपको 3 साल। ये ग्रेजुएशन है BMLT और DMLT जो है डिप्लोमा कोर्सेस है, लेकिन दोनों चीज़ में जो है पढ़ाई आपको सेम ही करना पड़ेगा, सिलेबस आपको सेम ही रहेगा, है ना, और यूनिवर्सिटी जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको सिलेबस, लेकिन सिलेबस जो है दोनों का सेम ही रहता है। वो 2 साल में आप कंप्लीट करते हो डिप्लोमा, ये 3 साल में आपको। तो सबसे पहले
लैब टेक्नीशियन के लिए सबसे पहले जो लैब होता है ना, तो लैब में जो है अलग अलग क्या रहते हैं, ब्रांचेस बटे हुए हैं, अलग अलग लैब बटा हुआ है ना। जैसे अपन जाते हैं, सबसे पहले जो है कलेक्शन डिपार्टमेंट हमें मिलता है। कलेक्शन में क्या होता है, पूरे स्पेसिमेन, जो भी स्पेसिमेन आता है उसको जो हम कलेक्ट करते हैं, है ना। फिर आगे जा कर के आपको जो अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं, बायोकेमिस्ट्री अलग फील्ड है, बायोकेमिस्ट्री का लैब अलग होता है, हेमेटोलॉजी तो हेमेटोलॉजी का लैब अलग होता है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का लैब अलग होता है, ब्लड बैंक अलग रहता है सेपरेट, है ना। उसके बाद जो हिस्टोपैथोलॉजी होता है, फिर साइटोलॉजी होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग लैब जो हैं अवेलेबल होते हैं, तो उनमें जो है हमें वर्क करना रहता है। तो अलग अलग लैब में काम करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं बटा हुआ है पूरा सिलेबस में, वो हमें जो है ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर BMLT कोर्स के लिए, उसके बाद DMLT के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, है ना। तो फर्स्ट ईयर में जो हम BMLT यदि लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो है हमें अलग अलग सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें पढ़ना है, है ना। एनाटॉमी में क्या है, पूरा एनाटॉमी, बॉडी का स्ट्रक्चर, वो डिटेल में जो है आपको बता दिया जाएगा कोर्सेज जब आप स्टडी स्टार्ट करोगे। केवल मैं आपको जो है ब्रीफली जो है आपको नॉलेज देता हूँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, है ना। उसके बाद जो आपको हेमेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, वो पैथोलॉजी में आता है पूरा, है ना, ब्लड से रिलेटेड पूरा स्टडी आपको करना है। उसके बाद जो है बायोकेमिस्ट्री आएगा, बायोकेमिस्ट्री में जो है पूरा जो भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट हैं वो आपको पूरा पढ़ना है, है ना। यूरिन से टेस्ट लगते हैं बायोकेमिस्ट्री में, या फिर ब्लड से, है ना, सीरम से टेस्ट लगते हैं, वो जो है आपको पूरा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद जो है माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा ब्रांच है ना। माइक्रोबायोलॉजी भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट्स हो गए, है ना। तो ये पूरा स्टडी जो है माइक्रोबायोलॉजी पर, माइक्रोबायोलॉजी तीनों साल जो है सबसे बड़ा कोर्स माइक्रोबायोलॉजी का ही है, इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो है सेकेंड ईयर जैसे आप जाओगे, है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हट जाएगा, आपका जो है हिस्टोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जगह। तो उसमें जो है आप क्या करोगे, हिस्टोलॉजी में जो है स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू का पूरा स्टडी जो है आपको करना पड़ेगा। ये हिस्टोपैथोलॉजी लैब होता है, उसमें जो है ऑर्गन आता है, स्पेसिमेन जो होता है, या फिर कोई गठान वगैरह जो होता है, ये ऑपरेशन के बाद निकाल करके देते हैं, तो उसका टेस्ट जो है पूरा हिस्टोपैथोलॉजी में। वो मेरे क्लासेस में जो है आपको हिस्टोपैथोलॉजी का स्पेशल जो है वो पूरा कौन कौन सा टेस्ट होता है वो मेरे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये हिस्टोपैथोलॉजी हो गया, आप हिस्टोलॉजी का पूरा स्टडी करोगे, नॉर्मल टिशू कैसे दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर क्या है उसका, कहाँ पाया जाता है वो टिशू, है ना, कौन से ऑर्गन में पाया जाता है, वो पूरा डिटेल आप पढ़ोगे। उसके बाद जो है सेम एज इट फर्स्ट ईयर पूरा सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, कुछ कुछ चेंजेस आपको मिल जाएंगे, जैसे हेमेटोलॉजी, है ना, सेकेंड ईयर में भी आपको मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री वो भी सेकेंड ईयर में मिलेगा। कुछ सिलेबस में क्या है, जो चीज़ आप फर्स्ट ईयर पढ़ोगे वो सेकेंड ईयर, लेकिन पूरा जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर जब आप पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर की चीज़ें सेकेंड ईयर भी मिलेंगे, सेकेंड ईयर पढ़ोगे तो थर्ड ईयर में जो दोनों साल का जो है आपको कोर्स मिलेगा। इसलिए तीनों साल को जो है आपको मिला करके पूरा पढ़ना है, तब जा करके जो है आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। फिर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में भी फिर आगे बढ़ जाएगा अलग से, है ना, पूरा उसमें भी सिलेबस अलग अलग रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट जो है यही रहेंगे, थर्ड ईयर में भी सेम सब्जेक्ट रहेगा, है ना। बाकी आपको जो है पूरा सब्जेक्ट हर साल अलग अलग सिलेबस रहेगा, है ना, सिलेबस जो है आपको दे दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो सिलेबस को ध्यान में रख करके जो है आपको पढ़ना है, है ना। तो इसमें जो है ज़्यादातर क्या है, ब्लड, है ना, स्पेसिमेन जो आते हैं लैब में, है ना, ब्लड का स्पेसिमेन आता है, तो वो ब्लड का सैंपल जो है क्या करना है आपको, अपने को जो भी ब्लड से रिलेटेड टेस्ट लगते हैं पूरा, है ना, तो ब्लड में अलग अलग तरीके से, जैसे सीरम से टेस्ट लगता है कुछ, है ना, कुछ प्लाज्मा से टेस्ट लगते हैं, कुछ होल ब्लड से टेस्ट लगते हैं, तो ये अलग अलग जो है टेस्ट परफॉर्म ब्लड के द्वारा होता है, है ना। ब्लड एक ऐसा सैंपल है जो अपना बायोकेमिस्ट्री हुआ या माइक्रोबायोलॉजी हुआ या हेमेटोलॉजी हुआ, है ना, इन लैबों में जो है ब्लड से रिलेटेड सारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं। उसके अलावा फिर ब्लड बैंक जो है ना, तो ब्लड बैंक भी बहुत बड़ा ब्रांच है, तो ब्लड बैंक के बारे में पूरा जो है आपको स्टडी सेकेंड ईयर में पढ़ोगे आप पूरे ब्लड बैंक के बारे में, कि ब्लड बैंक में क्या क्या चीज़ें होता है, ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है, ये पूरा जो है आप किस में ब्लड बैंक में आप पूरा स्टडी सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे, है ना, किस तरीके के उसमें टेस्ट लगाया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं लैब में, जब आप काम करते हो कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी, ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको जो है बता दिया जाएगा। लेकिन कोर्स के बारे में आपको क्लियर हुआ, यदि नहीं हुआ है तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, है ना, उसमें जो है मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा जानकारी देने का, BMLT, DMLT, चाहे BSc MLT है, इनके बारे में और आगे जा करके स्कोप क्या है,
क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखना है, वो सारा जानकारी जो है मैं आपको बता दूंगा। तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट लिखिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता, आप मेरे पूरे जो है वीडियोस देखिए, है ना, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं हूँ, तो उसमें जो है आपको पूरा चीज़ें जो है जानकारी दी। अगर आपको अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, लैब से रिलेटेड, लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है, कोर्स से रिलेटेड या फिर सिलेबस से रिलेटेड जो तो पूरा जो है, आप कोई सा भी डाउट आपको है ना, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। आप कोई सा भी सवाल जो है आराम से कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स नीचे जाइएगा, कमेंट पे लिखिए आपका कोई भी सवाल है, तो वो मैं जो है आपको आराम से जानकारियाँ जो है आपको उपलब्ध करा दूँगा, है ना। तो आप यूट्यूब में जाइए, पूरा वीडियो देखिए मेरा, आपको जो भी वीडियो समझ में आता है या नहीं आता है तो भी आप आराम से लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है यदि आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो भी मैं आपको जो है उपलब्ध हूँ, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।